तो क्या गलत बोला उन्होंने? उन्होंने गलत क्या बोला? त्यागी तो बोल दिया कि 30 तक वैकेंसी। अरे भाई ऐसा शब्द बोला है या क्या बोला? नहीं, बोले कि 30 तक। हम तो सीएम चेहरा नीतीश कुमार जी जो है उनमें क्षमता है ही ना भाई, वही बात कही है ना, 25 या 30 जी। तो क्या, और जितना आगे बढ़ेगा उतना अनुभव बढ़ेगा उनका। नमस्कार, न्यूज फोर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने महागठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन में तनातनी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल 2 घंटे तक तेजस्वी यादव का इंतजार करते रहे, जिसको लेकर बिहार की सियासत में लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रही है कि मुख्यमंत्री बैठे रहे और इंतजार करते रहे। ऐसे में तेजस्वी यादव का इस पर बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि महागठबंधन में ऐसी कोई बात नहीं है और हमें सीएम बनने की कोई जल्दीबाजी नहीं है। 2025 तक मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह सरकार चलनी है और सरकार चलेगी। ललन सिंह ने जिस तरीके से जो बयान दिया है उसको लेकर भी उन्होंने सही ठहराया है कि इसमें उन्होंने गलत क्या कहा है। 2025 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, यह बात हो चुका है और अभी जो बातें हैं हम लोग को सबसे अहम बात है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से भगाना है। तेजस्वी यादव ने इस बात को लेकर और क्या कुछ कहा? जरा होली बात सोच, कोई दिक्कत नहीं है सर। हमारा मेन मकसद है 2024 में भाजपा को भगाना और उस मकसद के साथ हम काम कर रहे हैं। आप ही के विधायक आया है, धन की सरकार है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है, कहीं किसी को जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। सीताराम जी, हम लोग विचारधारा जो हमारी है, हम लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में सांप्रदायिक शक्तियों को आने नहीं दे सकते, एक बात समझ जाइए। मांझी जी लगातार हमलावर हैं कि हमारा बेटा भी सीएम होना चाहिए। सबकी अपनी इच्छा होती है तो गलत बात है क्या? ना गलत नहीं। तो क्या है ये हमलावर कहाँ है ना, लगातार बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं वो चाहते हैं उनका बेटा सीएम बने, तो कौन अपना बेटा को जो है ऊँचा जाते हुए या बड़े से बड़े पद पर जाते हुए नहीं देखना चाहता? सब लोगों की इच्छा होगी, आप नहीं चाहते आपका बेटा आपसे ज़्यादा नाम करे। सही बात, तो सबकी इच्छा होती है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर। एक इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों को, हम पहले ही बता दे रहे हैं हमको कोई हड़बड़ी नहीं है। अब इसके मायने आप समझ जाइए। सही बात कि क्या है सर, कोई धोखा तो नहीं हुआ, कोई धोखा तो नहीं हुआ? ये किस बात का धोखा होगा? ये जो लग रहा है कि बात तो चेंज हो रहा है कि बनेंगे 25 में बनेंगे 24 में बनेंगे। ललन सिंह बोल रहे थे, ललन सिंह बोल रहे थे। वो आप लोग पूछ रहे हो ना, 25-24 वो तो दूर की बात है, तो क्या गलत बोला उन्होंने? गलत क्या बोला? त्यागी तो बोल दिया कि 30 तक वैकेंसी। अरे भाई ऐसा शब्द बोला है या क्या बोला? नहीं, बोले कि 30 तक। हम तो सीएम चेहरा नीतीश कुमार जी जो है उनमें क्षमता है ही ना भाई, वही बात कही है ना, 25 या 30 जी। तो क्या, और जितना आगे बढ़ेगा उतना अनुभव बढ़ेगा उनका, इसमें गलत क्या है? सही बात। 24 में क्या है, कितनी सीटें जीतने का आपका ये है? बिहार से 24 में कितने सीटें लोकसभा की जीतेंगे? हमारी तो कोशिश है एक भी सीट भाजपा ना जीते। हम लोग कहना चाहेंगे कि कुछ जीते। सही बात।